नमः शिवाय। राजा भोज और गड़रिये के बेटे का अद्भुत न्याय। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों, राजा भोज को एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा कहा जाता है, लेकिन राजा भोज जो न्याय करते थे उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। आखिर राजा भोज दूध का दूध और पानी का पानी कैसे कर देते थे? दोस्तों, एक बार जो न्याय राजा भोज नहीं कर पाए, वह न्याय गड़रिये के एक बेटे ने करके दिखा दिया। आखिर यह सब कैसे हुआ? क्या कारण था कि राजा भोज सिंहासन पर बैठते ही बिल्कुल सही फैसला सुनाते थे? आज हम इसी रहस्य से इस कहानी में पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज एक न्यायप्रिय, धार्मिक और सामाजिक राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज्य में सुखी और संपन्न थी। पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और उन्हीं के समय से यह कहावत चली आ रही थी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। आज भी जनसाधारण को यह कहावत प्रभावित करती है। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक चर्चित बस्ती थी और इसी बस्ती में कुम्हार मिट्टी के आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों और आश्चर्यजनक कार्यों को दूसरे राज्यों में बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता था। यही कारण था कि इस बस्ती के सभी कुम्हार पूरी तरह से संपन्न और सम्मानित थे। कुम्हारों की इसी बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी बड़ी ही सुगंधित और चिकनी थी। राजा भोज के शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न और सुखी था। खेती भी होती थी और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसी बस्ती में कई सालों से एक गड़रिया भी काम करता था। उस गड़रिये का नाम था सूरजभान। सूरजभान के घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक परम मित्र रहता था। दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए वे लोग अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन एक बार छोटे बच्चों के बात को लेकर के उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई तो दोनों की दोस्ती जो थी वह दुश्मनी में बदलती चली गई। लेकिन सूरज भान ने अच्छे अवसर की तलाश करके फिर से दोस्ती को सुगम बना दिया। लेकिन दूसरे गांव का एक व्यक्ति उनकी दोस्ती से पूरी तरह से नफरत करता था और उसकी दोस्ती को तुड़वाना चाहता था, किंतु उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। सूरज भान और उसके जो दोस्त थे उस व्यक्ति के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वे दोनों 10-10 आदमियों पर भारी पड़ सकते थे। दोनों बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र में लोगों के पशुओं को चराया करते थे। एक दिन की बात है कि जब कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो मजबूत ईंट मूर्तियां और घर गृहस्थी का बहुत सारा सामान निकल आया। समस्त राज्य में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि कहीं वह किसी राजा का दरबार था। वह महल भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गया था, ऐसा लोग वहां के कहते थे। धीरे धीरे इस मिट्टी के ऊंचे टीले पर कुम्हारों ने अपनी बस्ती को बना लिया था। इसका मुख्य कारण यहाँ की चिकनी मिट्टी और लोचदार मिट्टी थी। सूरज भान का एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान भी सामाजिकता में अपने पिता के पदचिन्हों पर ही चल रहा था। वह भी अपने पिता की तरह लोगों की भलाई करना, सबका साथ देना, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना उसका यही स्वभाव था। जब लोग टीले की खुदाई करके उसमें मिलने वाले सामान को उठा करके ले जाने की कोशिश करते तो चंद्रभान उस सामान के बारे में कहता था कि धरती माँ से प्राप्त वस्तुओं पर जनता का समान अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति इन सामानों को व्यक्तिगत नहीं मान सकता है और ये सभी में बराबर बराबर बंटनी चाहिए, क्योंकि यह सामान जो है वह धरती माता से मिला हुआ है। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते थे और मूर्ख कह करके उस पर हंसा करते थे। चंद्रभान शरीर में तो कमजोर था, किंतु दिमाग में उसके बहुत ताकत थी। वह किसी से कम नहीं था। वह प्रत्येक दिन टीले पर जाता और लोगों को खुदाई में मिलने वाले सभी सामानों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता था। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। उसका यह स्वभाव देख करके कुछ लोग स्वार्थ के कारण उसे नफरत करते थे और कुछ लोग कभी कभी उसे नजरें बचा करके टीले से मिट्टी खोद करके और जो उसके नीचे मूल्यवान वस्तुएं निकलती उनको वह चोरी करके बांट लेते थे। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब चंद्रभान को चोरी से खुदाई करने वाले लोगों का पता चलता तो वह उन लोगों से सामान वापस लेकर के सामान का पुनः बंटवारा कर देता था। धीरे धीरे चंद्रभान के इस तरीके की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी कि चंद्रभान एक न्यायप्रिय लड़का है। गांव के जितने भी लोग थे वह चंद्रभान को अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया।
चंद्रभान की सभी बातें ज्ञान ध्यान की होती थी। वह लोगों को टीले पर इकट्ठा कर लेता और उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। सभी लोग ध्यान लगा करके उसकी बातों को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनते थे। कभी कभी गांव के लोगों के बीच एक अन्य गांव के लोग भी शामिल हो जाते थे और उसकी बातें सुन करके राज्य के अन्य लोगों से भी चर्चा करते थे। वह लड़का जब टीले से उतर करके अपने घर की ओर जाता तो उसका व्यक्तित्व सभी लोगों को आकर्षित करता था। चंद्रभान हमेशा की तरह प्रत्येक सुबह उस टीले पर जाकर के बैठ जाता और आने वाले लोगों की बातें सुनता और कुछ न कुछ समाधान प्रस्तुत कर देता था। उनकी हर प्रकार की समस्याओं को वह समाधान करता था। उसकी बातों को सुनकर के लोग जब या अमल को लाते तो एक दिन चंद्रभान ने आने वाले लोगों से एक सवाल किया कि हमारे राज्य का राजा कौन है। तो कुछ लोगों ने राजा का नाम तक याद नहीं था, किसी ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। बल्कि एक आदमी ने कहा कि जब हमारे गांव में राजा आया तो पूरे गांव की फसल सैनिकों के आने से बर्बाद हो गई और पूरे गांव को साल भर भूखा मरना पड़ा था। चंद्रभान ने लोगों की बात को सुनकर के कहा कि राजा वह होता है जो मुसीबत के समय ही काम नहीं आता, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर देता है। लोगों के मन में चंद्रभान की बात कुछ अटपटी लगी। उसे राजा भोज के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। गांव के लोगों की समस्या सुलझाना एक अलग बात थी और पूरे राज्य की देखरेख करना दूसरी बात थी। अब गांव वाले लोगों को डर लगने लगा था कि यदि चंद्रभान की बातें कहीं राजा भोज तक पहुंच गई तो राजा भोज नाराज होकर के इस लड़के को फांसी पर लटका देंगे। गांव के सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे सभी यही विचार कर रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर के राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ जो भी गांव के लोग हैं, राजा अपने अपमान का बदला मानने के लिए अपराधी मान करके उन सभी को उसकी सजा देगा, क्योंकि सभी गांव वाले भी अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे थे। बस्ती वालों के दिल में डर बढ़ता चला जा रहा था। एक एक करके सभी बस्ती वाले धीरे धीरे उसकी चौपाल में कम हो जाने लगे और उसे एहसास हुआ कि अब बहुत कम लोग उसकी बातें सुनने के लिए आते हैं, तो उसने टीले पर जाना कम कर दिया। जब उसने गांव वालों से टीले पर ना आने का कारण पूछा तो गांव के जो लोग थे वे सब कहने लगे कि अगर तुम्हारी बातें किसी आदमी ने सुन लिया और वह राजा तक सारी बातें पहुंच गई तो हमको और तुमको सभी को सिपाही पकड़ करके लेकर के और जा करके जेल में बंद कर देंगे और तुम्हारे जुर्म की सजा हम लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी। चंद्रभान ने गांव वालों को आश्चर्य से देखा, जैसे कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि मैंने तो सामान्य बात कही है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए और वो किसी भी देश का हो सकता है। यदि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के अनुसार अगर हमारा राजा भी उन विषयों का पालन नहीं करता तब भी मैं अपनी बात पर अटल हूं। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव वालों में जो भी बातें हो रही थी उसकी सारी सुगबुगाहट दूसरे गांव के उसी व्यक्ति तक पहुंच गई जो सूरज भान से जलन करता था, ईर्ष्या रखता था, उसका द्वेष मानता था। वह किसी न किसी तरह से उसे हानि पहुंचाना चाहता था। अब उस आदमी ने विचार किया कि यह मौका अच्छा हाथ लगा है। उसने गांव के अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की। उसने सोचा कि सूरजभान से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। अगले दिन उसने सारा काम छोड़ करके दोपहर के समय चंद्रभान को टीले पर बैठे हुए देखा। वह टीले पर गांव वालों से बात कर रहा था। उसने देखा कि चंद्रभान दो लोगों के आपसी झगड़े को निपटा रहा था। दोनों का झगड़ा एक बकरी को लेकर के था। उस बकरी पर दो लोग अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान टीले पर बैठे ही बैठे उनकी समस्या सुन रहा था। व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने ऐसा न्याय किया जिसे देख करके सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति खुशी खुशी अपनी बकरी लेकर के चला गया और दूसरा जो व्यक्ति था चंद्रभान के न्याय से पूरी तरह से संतुष्ट था। यह एक उलझा हुआ मामला था। गांव वालों में किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यह बकरी किसकी है, लेकिन चंद्रभान ने असली दावेदार को आसानी से पहचान लिया। अगले दिन पड़ोसियों के बीच एक बच्चे को लेकर के विवाद हो गया और उसकी विवाद को भी चंद्रभान ने बड़ी ही आसानी से निपटा दिया। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की तारीफ ही सभी गांव वाले कर रहे थे। जब कुछ ही दिनों में चंद्रभान का नाम दूर दूर तक फैला तो इससे ईर्ष्या करने वाला दूसरे गांव का व्यक्ति और अधिक परेशान हो उठा कि चंद्रभान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है।
एक दिन उसने मौका पाकर के राजा भोज से शिकायत कर दी कि हे राजा भोज, सूरज भान नाम का एक लड़का स्वयं अपने आप को राजा मान करके प्रजा की जो भी समस्याएं होती हैं उनका निदान कर रहा है। महाराज, वह आपके लिए आप शब्दों का भी प्रयोग करता है। ईर्ष्यालु भानु प्रताप मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि अब किसी भी सूरत में वह बच नहीं सकता। उसे भी अपने अपमान का बदला चुकाने का अच्छा मौका दिख रहा था। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह सूरज भान के लड़के पर नजर रखें, उसके पास न्याय पाने जाने वालों को रोकें और फरियादियों को न्याय के लिए मेरे पास लेकर के आए। सिपाहियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक व्यापारी को राज दरबार में लाया गया। राजा भोज ने व्यापारी से राजा दरबार में आने का कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा कि महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं और व्यापार करना मेरा मुख्य काम है। नगर से बाहर जाते समय मैंने अपने व्यापारी मित्र के पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थी ताकि जब मैं लौट करके आऊं तो मेरी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित वापस मुझे मिल सके। लेकिन जब मैंने व्यापारी मित्र से वे बहुमूल्य वस्तुएं मांगी, जब लौट करके मैं आया तो उसने देने से इनकार कर दिया, इसलिए हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिला दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज, यही वह चीजें परिवार का एकमात्र सहारा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, वरना हमारी भूखे मरने की नौबत बता जाएगी। राजा ने व्यापारी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में उसके व्यापारी मित्र से पूछा तो व्यापारी मित्र ने कहा कि यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते समय यह अपनी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे पास रख गया था, इसने मुझसे वादा किया था कि वह 6 महीने बाद लौट करके अपनी वस्तुएं वापिस ले लेगा, और जब यह 6 महीने के बीत जाने के बाद लौटा तो मैंने इसकी अमानत इसको वापस लौटा दी। राजा भोज ने उस व्यापारी से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह सिद्ध कर सके कि तुमने इसकी बहुमूल्य वस्तुएं वापस लौटा दी थी। तो उसने कहा कि अवश्य महाराज, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने सभी वस्तुएं लौटाई थी। व्यापारी के मित्र की बात सुनकर के राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर के बाद राजा सिपाही मुखिया और पुजारी को दरबार में लेकर के आ गया। दोनों की गवाही व्यापारी के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुना दिया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि यह झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र व्यापारी से क्षमा मांगे, वरना उसे राज दंड भोगना पड़ेगा। यह न्याय नहीं अन्याय है अन्नदाता। यदि मैं चंद्रभान के पास न्याय के लिए जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन मुझे तो आपके सिपाही जबरदस्ती पकड़ करके आपके दरबार में ले आए। व्यापारी ने रोते हुए महाराज से कहा कि महाराज, आप न्याय नहीं कर पाए, मेरा न्याय नहीं हो पाया। व्यापारी की बात सुनकर के राजा भोज को क्रोध आ गया। कहा कि यह सोचने लगे कि सूरजभान का वह लड़का कैसे न्याय करता है जिसकी चर्चा हर जगह है, उसे चल करके मुझे भी देखना चाहिए। राजा भोज ने कहा कि अगर तुम दोनों मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांग करके देख लो, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर वह किस प्रकार से न्याय करता है। राजा भोज की बात को सुनकर के व्यापारी और दोनों गवाह भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान वह गड़रिये का लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी भेष बदल करके वही उन लोगों के बीच में बैठ गया और न्याय देखने लगा। व्यापारी ने चंद्रभान को जब अपनी सारी राम कहानी सुनाई तो उसकी बात सुनकर के चंद्रभान बड़े ही तेज स्वर में बोला, न्याय करने के लिए राजा होने की आवश्यकता नहीं है, न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो तो कोई भी किसी भी समय सही न्याय कर सकता है। यदि मेरे बस में होता तो राजा भोज को यहाँ बुला करके दिखा देता कि न्याय किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूछा कि बताओ उन बहुमूल्य वस्तुओं में कौन कौन सी कितनी वस्तुएं थी। चंद्रभान का यह सवाल सुनते ही मुखिया और पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, हमने तो बस पोटली देखी। व्यापारी के मित्र से चंद्रभान ने कहा कि तुमने तो कहा था कि उन दोनों को दिखा करके तुमने बहुमूल्य वस्तुएं वापस लौटा दी थी। अरे तुम तो एक बेईमान इंसान हो, दोनों को झूठी गवाही देने के लिए किस प्रकार का सौदा किया था तुमने। व्यापारी मित्र बुरी तरह से कांपने लगा, उसकी टांगे लड़खड़ाने लगी। व्यापारी का मित्र चंद्रभान के कदमों में गिर करके रोने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इनकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटाने का वादा करता हूं,
कि घर जाते ही इनकी वस्तुएं इनको वापस दे दूंगा। राजा भोज ने जब इस तरह का न्याय देखा, सूरज भान का लड़का चतुर और न्यायप्रिय है, राजा उसके न्याय करने के ढंग को देख करके बहुत प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस चले गए। वह रात भर चंद्रभान के बारे में सोचते रहे कि आखिर वह कैसे न्याय करता है, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से करता है। अगले ही दिन उसने चंद्रभान को राजदरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुई, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती है। कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़ करके कहा राजा भोज से। राजा भोज ने कहा कि तुम अनपढ़ और मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? उस लड़के ने कहा कि यह सब उस टीले की करामात है महाराज। जब भी मैं उस टीले पर बैठता हूं तो मुझ में न जाने कौन सी शक्ति कहां से आ जाती है। मैं वहीं बैठ करके ही सही न्याय करता हूं और बाकी अन्य जगह तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता। मुझे लगता है कि मैं कुछ जानता भी नहीं हूं। राजा भोज के काफी सोच विचार करने के बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अंत में निर्णय हुआ कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है। राजा भोज ने निश्चय किया इसे खुदवा करके देखा जाए और अगले ही दिन सैकड़ों मजदूर उस टीले की खुदाई में जुट गए। बहुत गहराई तक खोदने के बाद मजदूर को एक राज सिंहासन मिला। राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गया। उनके सामने सोनी चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ वह बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल में लाया गया। सिंहासन पर जो भी जमी हुई मिट्टी थी वह सब कुछ साफ की गई और साफ सफाई के बाद जब वह सिंहासन निखर गया, इतना सुंदर सिंहासन अभी तक किसी ने कभी भी नहीं देखा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थी। पुतलियां इतनी सजीव लग रही थी कि मानो अभी वे बोल पड़ेंगे। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में जश्न का माहौल हुआ। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में जड़ी हुई सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देख करके हंसने लगी। राजा भोज ने सहम करके अपने कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा कि पुतलियों, तुम सब मुझे देख करके एक साथ क्यों हंस रही हो? राजा भोज का प्रश्न सुन करके एक पुतली रत्न मंजरी राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आ गई। वह पहली पुतली रत्न मंजरी राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा कहने लगी। वह इस प्रकार से कहती है कि आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अंबावती। वहां के राजा गंधर्व सेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मावीर था। छत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम और भर्तहरी। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतर नामक पुत्र को, ब्रह्माणीत को गंधर्व सेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद वह राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन से लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। छत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझ करके उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार आग की तरह चारों तरफ फैल गया। उसके सभी भाई जो थे वे प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़ करके बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया था और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खा करके घनघोर तपस्या में वह रत है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता है तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालना चाहता था, मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था, उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट करके शंख की तलवार छीन करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया और शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक शिकार के लिए विक्रम जंगल में गए, मृग का पीछा करते हुए बिछुड़ करके बहुत दूर निकल गए और उन्हें एक महल दिखाई दिया और पास आकर के पता चला कि वह महल तूत वर्ण का है जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूत वर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राजतिलक करें तो,
और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण का सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राजतिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण के सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति का पताका चारों तरफ फैल गया। दोस्तों, यह थी उस सिंहासन की कहानी। जो भी व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठ जाता था उसमें अद्भुत न्याय करने की क्षमता आ जाती थी, और इसी तरह उस गड़रिये के बेटे ने भी ऊंचे टीले पर बैठ करके न्याय कर दिया करता था, क्योंकि उसके पास जितने भी फरियादी न्याय के लिए आते थे उनका वह सही सही न्याय करता था। यह सब प्रभाव उस सिंहासन का था जो उस टीले के नीचे पटा हुआ था, और वही सिंहासन पर बैठ करके राजा भोज भी न्याय करते थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।